गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.3 क्लास फिफ्थ मैथ करते हैं। देखो ये इसमें एट सम देखेंगे, ये टू गेट द कोशेंट ऑफ 96 व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 23। देखो ये इसमें क्या दिया हुआ, टू गेट द कोशेंट ऑफ 96, हमें 96 क्वेश्चन मिलना चाहिए। व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 23, कौन से नंबर को हम 23 से डिवाइड करें, मतलब कौन से नंबर को 23 से डिवाइड करें जिससे क्वेश्चन 96 आ जाए। मतलब ये 96 क्वेश्चन दिया हुआ है पहले से, और डिवाइड किससे करना है, 23 से करना है। तो इसका मतलब जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। तो हमें क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 96, डिवाइजर दिया हुआ है 23, और जिसको और कौन से नंबर को डिवाइड करना है, मतलब जिसको डिवाइड करना हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो हमने क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है हमने। रिमाइंडर इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब रिमाइंडर जीरो है। आपको मैं डिविजन एंड वेरिफिकेशन में ये समझा चुका हूं पहले भी, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है इसका फार्मूला इस प्रकार से ये, ठीक है। तो हम डिविडेंड कैसे निकालेंगे, डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर रिमाइंडर को प्लस कर देंगे। देखो ये, अब देखो ये डिवाइजर कितना है, 23 है, 23 मल्टीप्लाई 96, रिमाइंडर कितना है, जीरो है, प्लस रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आ गया इसका प्लस ये, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये 23 को 96 से मल्टीप्लाई करते हैं, 96 है और 23, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो इसको कितना आया, ये 36 या 18, 39 या 27, 28, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 26 या 12, 29 या 18, 89, 19, हमारे पास आ गया 8, 0 आ गया यहाँ पर 12 और ये 2, ये आ गया हमारे पास 2208 प्लस 0, कितना आ गया हमारे पास को डिविडेंड 2208। तो ये नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर ये है जिसको हम, जो हमें चाहिए हमें इसमें। ये हमने डिविडेंड निकालना था, ये हमारा ये आ गया 2208, ये हमने मल्टीप्लाई करके दिखाया था यहाँ पे हमने इसको, ठीक है, ये आंसर आ गया इसका ये। अब उसके बाद देखेंगे अगला, देखो ये, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 5-डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 2-डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5-डिजिट नंबर को और लार्जेस्ट 2-डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। देखो लार्जेस्ट 5-डिजिट नंबर क्या होता है, 5 टाइम्स 9 लिख देंगे हम, 99999, ये 5 टाइम्स लिखा तो क्या बन गया, 99999, ये लार्जेस्ट 5-डिजिट नंबर है। और लार्जेस्ट 2-डिजिट नंबर क्या होता है, 2×99 लिख देंगे, 9999 होता है वो, लार्जेस्ट 2-डिजिट नंबर है। अब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको, तो ये देखो ये 99999 मल्टीप्लाई 99, इसको यहाँ करके देखते हैं इनको मल्टीप्लाई, देखो ये 99 जा 81, 81 का 1, और जो हमारे पास कैरी आया 8 आया, देखो ये फिर मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 9 से, 99 जा 81, 81 एंड 9, 81, 9, 90। अब इसके बाद 81 एंड 8, 9 जा 81, 81 एंड 8, 89, फिर 8 आ गया हमारे पास कैरी आ गया, 9 जा 81, 81 एंड 8, 89, फिर 9 आ गया, 9 जा 81, 81 एंड 8, 89, फिर 9 आ गया, फिर 9 जा 81, 81 एंड 8, 89, ये आ गया, ठीक है। अब फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा इसमें, देखो ये 1999999 और फिर ये 8, क्योंकि ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई किया था तो यही आएगा इसमें, देखो 1 9+1 10, 1+9 10 10 9 19 का 9, 1 कैरी आ गया, फिर 19 का 9 1 कैरी आ गया, फिर 19 का 9 1 कैरी आ गया, 10+8 18, 18 का 8 1 कैरी आ गया, और ये 9 हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया
98,99,901 तो हमारे पास ये आंसर आ गया इनके प्रोडक्ट करने पर। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये अगला सम करते हैं, टेंथ सम। इसमें क्या है, ये राइस फैक्ट्री मेक्स 318,560 किलोग्राम ऑफ राइस एट ए रेट ऑफ रुपीज 78 पर किलोग्राम। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द राइस। देखो ये एक राइस फैक्ट्री है, उसमें इतने चावल इतने राइस प्रोड्यूस होते हैं, इसमें 318,560 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी है, 78 रुपीज है। तो इसमें टोटल कॉस्ट निकालनी है इतने राइस की हमने। देखो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ राइस कितनी दी हुई है, 78 रुपीज दी हुई है। और कॉस्ट कितने की निकालनी है, टोटल राइस है जो इसमें, ये द कॉस्ट ऑफ 318,560 किलोग्राम ऑफ राइस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज कितना आ जाएगा, 318,560 × 78। अब 78 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ करके देख लो आप इसको, 8 जीरो आ जाएगा, 8 सिक्स जा 48 फोर कैरी आ गया इसमें 4। ठीक है, 8 फाइव जा 40 एंड 4 44 फोर कैरी फिर आ गया, 8 एट जा 64 एंड 4 68 सिक्स कैरी आ गया यहाँ पर, ये 8 1 8 एंड 6 14 का 4 आ गया, 1 कैरी फिर आ गया यहाँ पर ये। ठीक है, 8 3 24 एंड 1 25 ये आ गया। ठीक है, अब देखो अब किससे करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर कितना जाएगा, 0 ये 7 6 42 का 2 1 कैरी आ गया, ये 4 कैरी आ गया इसमें, 7 5 जा 35 एंड 4 39 3 कैरी आ गया इसमें, 7 8 जा 56 एंड 3 59 5 कैरी आ गया, 7 1 जा 7 7 एंड 5 12 का 2 1 कैरी आ गया, 7 3 जा 21 एंड 1 22 ये आ जाएगा इसमें, 0 8 4 प्लस 2 6 9 प्लस 8 17 और ये 1 टू 10 14 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 5 6 प्लस 2 8। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया, 4 और ये 2। हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पे, रुपीज 24 7 6 80। तो ये कॉस्ट कितनी है इसकी, ये आगे इसमें 2,48,47,680। ठीक है, उसके बाद देखो ये 11th क्वेश्चन है इसमें, ये 65 चॉकलेट्स आर टू बी 65 चॉकलेट्स आर टू बी पैक्ड इन वन पॉली पैक। 65 चॉकलेट्स को एक पॉली पैक में पैक किया जाता है, हाउ मेनी पॉली पैक्स आर रिक्वायर्ड टू पैक 7,85,655 चॉकलेट्स। ये बताना है 7,85,655 चॉकलेट्स हैं, उनको पैक करने के लिए कितने पॉली पैक चाहिएंगे इसमें, हाउ मेनी पॉली पैक्स आर रिक्वायर्ड। क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे हम इसको। देखो ये टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है, 7,85,655 और नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन वन पैक, वन पैक में कितनी चॉकलेट आती हैं, 65 चॉकलेट आती हैं, तो टोटल कितने पॉलीपैक चाहिएंगे उसमें, इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा नंबर ऑफ पॉलीपैक्स रिक्वायर्ड। ये आ जाएगा 7,85,655 डिवाइड बाय 65 से डिवाइड कर देंगे हम इसको। अब देखो 65 से डिवाइड करो, यहाँ कर देते हैं इसको, 65 बन जा 65 क्या बचा यहाँ पर हमारे पास, 3 और 1 13 बच गया, अगली डिजिट है 5, ये हम यहाँ पर उतार लेते हैं, 65 2 जा 130
यहाँ बच गया हमारे पास 5, अगली डिजिट है 6, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। अब ये नहीं जाएगा यहाँ पर, 56 है यहाँ पर, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर ये हमारे पास। तो अगली डिजिट क्या है, ये 5 है, ये और उतर ले, ये और लिख लेते हैं यहाँ पर, ये 5। अब किस पर जाएगा ये, देखो ये 8 पर जाएगा, ये 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 48 and 4 52। कितना बचा है यहाँ पर, 5 और ये 4। अगली डिजिट क्या है, 5 है यहाँ पर, ये 55 हमने यहाँ पर ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब किस पर जाएगा ये, 455 आ गया। अब ये जाएगा हमारे पास 7 पर, 7 5 जा 35 35, 7 6 जा 42, 42 and 3 45। कितना आ गया यहाँ पर, 0 आ गया। ये कितना आ गया हमारे पास, 12,087। ये पॉली पैक, इतने पॉली पैक चाहिएंगे इतनी चॉकलेट को पैक करने के लिए, नंबर ऑफ पॉली पैक्स आर रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से करना है ये आपने, ये और ये आपने नोटबुक में करना है, ये केयरफुली करना है, इसको रिवाइज भी करके देखना है आपने। थैंक यू।